बस तुम लोग का आज कष्ट है क्योंकि आज ही खाली बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आज के बाद खत्म। ठीक है, कल से हम लोग ग्राफिकली करेंगे तो उसमें आसान रहेगा। कल हुआला हुआ था जी, सबका गया था, क्या आया था बताओ तो निधि। काजल बताओ, जेड क्या आया था? हाँ हाँ, और भी कुछ था क्या? नहीं, अच्छा हाँ हाँ सही बोले, क्या होगा 4x3। और इक्वेशन क्या मिले थे? 2x1 3x2 0 × x3 और टू प्लस 4x3 यही आया सबका, देख ले रहे हैं हम, चेक कर ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आएगा। सही है, वेरी गुड। और एक चीज, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, इतना करना था 5 नंबर, बट टेबल भी बनाना था, कभी कभी टेबल नहीं दिया रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना तुम्हारा तो आज फिर भूल गए, कोई बात नहीं कर लेते आएंगे। नहीं नहीं मैसेज की थी एक बार, फिर भूल गए थे, कोई बात नहीं हम कल लेते आएंगे, जो नहीं लिखा है यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जो कल नहीं आया वो ना समझे। अरे चाहे देखो चाहे ना देखो, हमसे कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन लिखो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी है क्या किसी से मेरी? आप चाहे एक लोग आए तभी पढ़ाना है, नहीं आएंगे तभी पढ़ाएंगे, वैसे भी ऑनलाइन वाले तो हैं ही, क्यों ऑनलाइन वाले जिंदाबाद। धमकी दे रहे हो क्या? ऑनलाइन हो जाए चाहे ऑफलाइन, पैसा तो मिलने वाला है हमको। ठीक है लिखो क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आज लिखना है। चार पन्ना ए कंपनी प्रोड्यूज, क्वेश्चन लिखो जी। देखो क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आएगा नहीं, इतना छोटा इसमें इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है इसीलिए। चलो, ए कंपनी प्रोड्यूज 2 टाइप ऑफ हैट्स, ए कंपनी प्रोड्यूज 2 टाइप ऑफ हैट्स, हैट्स मतलब समझ रहे हो ना, कहते हैं ना टोपी पहना दिए। देखो दो सेंस, एक तो होता है टोपी पहनना, एक होता है टोपी पहनाना, क्यों? ए कंपनी प्रोड्यूज 2 टाइप ऑफ हैट्स, फिर लिखना उसके बाद में डॉट, ईच हैट्स ऑफ फर्स्ट टाइप रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच लेबर टाइम एज द सेकेंड टाइप, धीरे बोले एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ए कंपनी प्रोड्यूज 2 टाइप ऑफ हैट्स, ठीक है, ईच हैट्स ऑफ फर्स्ट टाइप रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच लेबर टाइम एज द सेकेंड टाइप, मतलब अगर जो कोई फर्स्ट टाइप वाला जो, देखो इधर देखो, मान लो 2 टाइप के हैट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है,
तो कह रहा है ना कि ए वाला जो टाइप प्रोड्यूस कर रहा है, अगर जो ए वाला देखा जाए इसको 10 लेबर काम कर रहा है, मान लो 10 लेबर मिलके 20 टोपी तैयार किए हैट, तो इसको 20 लेबर मिलके 20 ही, ये वाला क्या है स्पेशल टाइप का टोपी है, क्यों स्पेशल टाइप का, देखो हैट्स दो टाइप के हैं ए और बी टाइप के, कह रहा कि जो पहला वाला टाइप है वो ट्वाइस लेबर प्रोड्यूस, मतलब ट्वाइस लेबर, कह रहा कि मतलब ये ट्वाइस लेबर, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर जो बी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर जो 10 लेबर मिलके 20 हैट प्रोड्यूस करे तो 10 का ट्वाइस क्या होगा 20 लेबर, तो वही 20 लेबर मिलके 20 ही टोपी प्रोड्यूस करेंगे, तो स्पेशल वाला कौन सा हो गया ए वाला, ज्यादा समय मतलब वो कुछ उसमें कुछ खासियत होगी तभी ना, लिखो उसके आगे, समझ में आया, फर्स्ट टाइप रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच लेबर टाइम एज द सेकेंड टाइप, ठीक है नीचे और उसके आगे, इफ ऑल हेड्स आर ऑफ द सेकेंड टाइप, आर द सेकेंड टाइप, if all heads are of the second type, only the company can produce a total of 500 heads, a day, A day 10. Market limit. तुम लोग को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। Market limits daily. उसके लिखे डेली सेल्स, SALES सेल माने बेचना वाला, ठीक है बायोलॉजी वाला सेल मत समझ लेना, सेल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, 10 मार्केट लिमिट डेली सेल्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, टाइप ऑफ 150 एंड 250 हेड्स, 150 एंड 250, 150 एंड 250 हेड्स। अच्छा देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, अब पहले कोई कंपनी दो टाइप के हेड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, जो मान लिए हम दो टाइप के हेड, टाइप ए टाइप बी, जो टाइप ए वाला कह रहा है ये दुगुना टाइम ले रहा है टाइप बी से जो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, और कह रहा है कि देखा जाए 10 डे मार्केट लिमिट, खाली 10 दिन में जो हेड प्रोड्यूस कर रहा उसका हम लोग को निकालना है कि मतलब 10 डेज में कितना प्रोड्यूस हुआ, क्या क्या हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, ठीक है, तो देखा जाए वो कह रहा कि 10 डे में जो मैक्सिमम उसका क्राइटेरिया है, नीचे पढ़ो कि फर्स्ट टाइप का खाली 150 हेड्स बना सकते हैं, लिमिट है, ठीक है, और दूसरा वाला कह रहा है सेकंड टाइप का 250, तो क्या होगा लेस इक्वल होगा, मैक्सिमम बताया है ना, अरे इक्वालिटी जब लिखेंगे कोई बात नहीं, आगे लिखो फिर आगे, अभी तो आधा क्वेश्चन हुआ, assuming that मैथ वाले वैसे भी अज्यूम कर लेते हैं, तो assuming that the profit per hat are ₹8, assuming that the profit per hat are ₹8 for type A, हाँ ₹8 रुपीज, अरे वही ₹8 पर टाइप ए, मतलब टाइप ए वाला जो हैट है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा ₹8 का, ठीक है, एंड आर एस 5 फॉर टाइप बी,
RAS 5 for type B. Formulate the problem as a linear programming model या problem as a linear programming model. ठीक है, model in order to determine the number of heads to be produced of each type so as SO each type so as to maximize the profit. अभी क्वेश्चन का एक हिस्सा लिखे हम लोग, तीन हिस्सा और बचा है. Maximize the profit. तुम लोग डर गए क्या? क्वेश्चन खत्म हो गया. अब एक बार पढ़ो उसको ध्यान से, क्या लिखवा है. देखो मिलाना क्या है, सही है. कोई भी कंपनी है वो दो तरह का हेड बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए वाले हेड में दो गुना टाइम लग रहा है टाइप बी के कंपेयर में. क्यों? और कह रहा है कि जो दोनों का लिमिट देखा जाए कि कितने हेड बना सकते हैं, मैक्सिमम 500. और फिर देखा जा रहा है कि जो लिमिट टाइप ए के लिए क्राइटेरिया कितना किया, 150, और टाइप बी के लिए किया 250. और टाइप ए का जो प्रॉफिट हो रहा कितना हो रहा जी, 8 रुपये, और टाइप बी का लिए 5 रुपये. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा काजल? वेरी गुड, सही है. नहीं, कहाँ लेस देन है. वो जब कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे तब वो होगा लेस इक्वल टू. ठीक है, हाँ. हाँ, सब देखो अभी तो लिखिए आप लोग क्या लिखेंगे. ऐसे सुनो, सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी द टाइप ऑफ हेड्स ऑफ ए एंड बी. या लिखो अभी, हाँ, सोल्यूशन क्या हुआ. तुम लोग कर लेगा, नहीं कर लोगे, करा दे रहे, कोई नहीं हो जाएगा. नहीं, ऑनलाइन वाले भी तेज हैं, ऐसी बात नहीं है. एक करा देते हैं फिर दूसरा तुम लोग करना. ठीक है, लिखो, थोड़ा लैंग्वेज लिखना है. सपोज द कंपनी, लिखो भाई, सपोज द कंपनी, अरे लेट द कंपनी, लेट अस सपोज द कंपनी प्रोड्यूस X1 hat of first type and X2 hats of second type each day. हम मान लिए कि पर डे X1 क्या है, टाइप ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइप हेड्स ए. क्यों? टोटल नंबर ऑफ टाइप फर्स्ट. X1 जो है वो बता रहा है कि टाइप फर्स्ट के कितने हेड प्रोड्यूस किए गए एक दिन में, और X2 क्या है, कितने हेड प्रोड्यूस किए टाइप दूसरे वाले टाइप का एक दिन में. हो गया, चलो बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देन मैक्सिमाइज या ऑब्जेक्टिव फंक्शन. देन टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा जी, 8X1 प्लस, तो यही क्या होता है, जेड. और इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. लिख लेना, इधर देखो. सपोज मान लो कि टी टाइम हम लोग को लग रहा है X2 वाले हेड प्रोड्यूस करने में. ठीक है, तो X1 वाला क्या होगा, 2TX1. और इनका लिमिट क्या होगा कि ये दोनों क्या होंगे, 500T. अब
टी के लिए वन रखेंगे तो क्या आएगा, पर यूनिट पर देखा जाए पर डे टी वन, टी अगर जो डे में लिया जाए तो पर डे क्या होगा, टू एक्स वन प्लस एक्स टू, ये क्या होगा, ठीक है। और देखो एक्स वन का लिमिट लगाया क्या होगा, वो नहीं नहीं सॉरी, अरे एक्स वन क्या होगा 250 से तो ज्यादा क्रॉस नहीं, लिमिट है कि 150 ही लिमिट बनाएगा, और एक्स टू कितना 250, ठीक है। तो देखा जाए और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं था, बहुत आसान था, और एक और मिलेगा, बस हो गया, हाँ यही करना। क्या हुआ टेन क्या, वो टेन डे की मार्केटिंग निकालना है उससे, नहीं टेन से कोई मतलब नहीं है, वो जैसे देखो कोई कंपनी है कह रहा है कि 10 दिन में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना, 10 से कोई मतलब नहीं है, वहाँ 5 दिया जाता तब भी वही होता, ठीक है। पहले लिखो, ये नहीं लिखना अभी, थोड़ा लैंग्वेज लिखना है, तो हम बताएं आंसर, चलो लिखो इसको, कैसे लिखे कि लैंग्वेज में, हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया लिखना फिर, सिंस द कंपनी कैन प्रोड्यूज, सिंस द कंपनी कैन प्रोड्यूज, सिंस द कंपनी कैन प्रोड्यूज एट द मोस्ट 500 हेड्स इन ए डे, सिंस द कंपनी कैन प्रोड्यूज एट द मोस्ट 500 हेड्स इन ए डे एंड फर्स्ट टाइप हैज रिक्वायर्ड इन ए डे एंड फर्स्ट टाइप, पर डे इन ए डे बोले हैं, ठीक है, एंड फर्स्ट टाइप ऑफ हेड्स रिक्वायर ट्वाइस एज मच टाइम, फर्स्ट टाइप ऑफ हेड्स रिक्वायर ट्वाइस एज मच टाइम ट्वाइस ऑफ मच टाइम एज दैट ऑफ सेकेंड टाइप, एज दैट ऑफ सेकेंड टाइप, थोड़ा फास्ट लिखो तुम लोग। देखो पहले बात बता रहे हैं, तुम लोग अगर जो लैंग्वेज कुछ नहीं ये लिख दोगे ना, पक्का पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं काटेगा, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है, टीचर भी देखेगा। तो लिखो तो क्या होगा जी, वही तो हम मान लिए, तो अगर जो मान लो टी टाइम लग रहा है एक्स टू वाले प्रोड्यूस करने में, तो क्या होगा टी एक्स टू, तो ये क्या होगा टू टी एक्स वन, और दोनों का लिमिट लगाया कि 500 ऐड है तो 500 टी, या टी हटा भी दो तभी क्या होगा 2x1 प्लस x2 लेस देन 500, ठीक है, लिख लो ये वाला, ऊपर वाला लिखो टी वाला, 2tx1 प्लस tx2 लेस इक्वल टू 500 टी। अच्छा लेस इक्वल टू क्यों है, क्योंकि ये मैक्सिमम बताया ना, अगर जो बोला होता है मिनिमम या एटलीस्ट तब वहां क्या होता है ग्रेटर हो जाता है, समझ में आया, तो ध्यान से लेस इक्वल टू कहाँ कैसे लगाना है, लिखो उसके आगे वेयर टी इज द लेबर टाइम, वेयर टी इज द, वेयर टी इज द लेबर टाइम पर यूनिट ऑफ सेकेंड टाइप, पर यूनिट ऑफ सेकेंड टाइप दैट इज, वेयर टी इज द लेबर टाइम पर यूनिट द सेकेंड टाइप दैट इज ये वाला 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 500 पर यूनिट ऑफ सेकंड टाइप, हो गया, बस लिख लो। और ये रिस्ट्रिक्शन लिखने के जब लिख लो एक बार, देयर आर लिमिटेशन उसके नीचे ये वाला लिखे हैं आप लोग दैट इज 2x1 प्लस x2, उसके नीचे लिखो देयर आर लिमिटेशन on the sale of heads, क्या है limitation, कि x1 जो वाला type of heads first type वाला है कि 150 से ज़्यादा sell नहीं, मतलब ये maximum बता रहा है कि x1 क्या होगा less होगा 150 और x2 क्या होगा 250, लिख लो ये, हो गया। और हम लोग जानते हैं कि जो भी आप लोग का डिसीजन वेरिएबल है x1 या x2 वो सारे क्या होंगे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो नीचे वाला लिख लेना नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन,
बस आंसर हो गया। अब दूसरा तुम लोग कर लो, देखते हैं कर पाते हैं। प्रज्ञा कल कहाँ गायब हो गई थी तुम? और वो कहाँ गायब हो गया लड़का अभिषेक? उसको आए पीटेंगे, संडे को पढ़ने के लिए बोला वो खुद गायब हो गया। हाँ तुम कहाँ गायब हो गए थे? शादी था? एक साथ आते हो क्या दोनों स्कूटी से? तुम भी उधर ही रहती हो क्या? कहाँ? गोला बाजार। अच्छा तारामंडल लाती हो। चलो तब तो तुम लोग का बहुत बढ़िया है। हाँ देखो ठीक है, लेबर टाइम है ठीक है, कह रहा है कि जो टाइप ये फर्स्ट टाइप वाला, देखो फर्स्ट टाइप हम लिए एक्स वन बी दैट, ऐसे कहा जाए एक्स वन बी द नंबर ऑफ हेड ऑफ टाइप फर्स्ट, एक्स वन बी द नंबर ऑफ हेड ऑफ टाइप सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट टाइप का हेड्स जो हम बना रहे हैं वो दुगुना समय ले रहा है सेकंड वाले टाइप से, तो मान लो टी समय सेकंड वाले टाइप को बनाने में लगेगा तो फर्स्ट वाले में क्या होगा? टू टी एक्स वन, बस यही है। अब समझ में आया? लिख लो, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया फाइनल। देखो जब भी लिखना तो ये सारे चीज़ें यहाँ लिख देना कि ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, और ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स बोले थे ना, कॉन्स्टेंट या सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, और इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलो दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और खुद से जाके ट्राई करना, क्वेश्चन ही बड़ा है लेकिन आंसर छोटा है। बोले ऐसा पूछा गया है, पाँच पाँच नंबर में, पाँच नंबर में पूछेगा पक्का, एक पूछेगा। तुम लोग देखो करो इसको, ए लैम्प मैन्युफैक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैम्प मैन्युफैक्चर, हाँ ये खत्म हो गया सॉल्यूशन बस और क्या। ए लैम्प एल ए एम पी, कौन कौन पढ़ा लैम्प से? पढ़े हो लैम्प से? पढ़े हो कि लालटेन से? लालटेन दोनों से पढ़िए। क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्प एंड लालटेन? लालटेन होता है, कोई बता? काजल बताएगा डिफरेंस, हमें पता है, बताओ काजल। सही बताए, देखिए लालटेन को कहीं टांग सकते हैं, लैम्प को नहीं टांग सकते, लैम्प रखने वाला होता है ऊपर का खुला होता है और पूरा वो पैक होता है चिमनी। चलो सेकंड क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, लास्ट ही है एक, इसके और कराएंगे उसके बाद ये खत्म कर देंगे, फिर हम लोग ग्राफिकल। देखो एलपीपी बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं, जब ग्राफिकल वाला कराएंगे तो आप लोग को लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों वाला है, और ऐसे भी पढ़े हैं आप लोग तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, क्वेश्चन खाली लेंदी है बट आंसर इसका बहुत आसान है, क्यों? एक बार फॉर्मुलेट कर लोगे, छोटा छोटा सोल्यूशन है तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लैम्प मैन्युफैक्चरर, ए लैम्प मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूज, ए लैम्प मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूज टू टाइप्स ऑफ लैम्प। ए लैम्प मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूज टू टाइप्स ऑफ लैम्प ए एंड बी। ये एलपीपी खत्म होने के बाद हम लोग मान कर चलिए कि 35 से 40 नंबर पढ़ लिए होंगे दो चैप्टर से, क्यों? उधर से तो 20 नंबर तो दो फुल क्वेश्चन आता ही है, और दो क्वेश्चन मान लो कभी से कंपलसरी में दे देगा या एक क्वेश्चन, तो 22 से 24 नंबर उधर और 15 से 17 नंबर इससे हमेशा आता है। और ये वाला जो है ये सेक्शन ए का है और वो वाला सेक्शन बी का, अगर जो इधर से एक चैप्टर और पढ़ाएंगे तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट और उधर से सेक्शन बी, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं पूरा पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर जो चार ही चैप्टर पढ़ के जाएंगे अच्छे से जाएंगे तो अपने आप चार क्वेश्चन हो जाएंगे, उधर से गेम थ्योरी इधर से दो चैप्टर और कोई, ठीक है? तो तुम लोग के ऊपर डिपेंड है कि तुम लोग कैसे कवर करते हो, क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि आप लोग
इसका गेम थ्योरी का कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे सब कर ले जाओगे, क्योंकि पढ़ाया ही गया है ऐसा। इसका भी होगा, टेंशन ना लो, लिखो। ए लैम्प मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ लैम्प ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, फिर डॉट करके लिखना टू टाइप ए और एंड बी, क्या क्या की हो, इधर देखो, हो गया। फिर डॉट करके लैम्प ए रिक्वायर्ड अब हम लोग, हमको लग रहा है इशारे में बात करना पड़ेगा, तुम लोग को इशारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि कौन इधर देखो, तुम लोग लड़ाई बाद में कर लेना, बाद में क्लास छूट जाएगा, मौका देंगे लड़ने के लिए, हम तो चाहते हैं। इधर देखो, लैंप ए रिक्वायर्ड टू आवर, लैंप ए रिक्वायर्ड टू आवर ऑफ कटर फाइव टाइम, ऑफ कटर्स फाइव टाइम, कटर्स सी यू डबल टी ई आर एस, फाइव टाइम लिखो, बता रहे हैं मतलब कटर्स फाइव टाइम। ए लैम्प मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ लैम्प ए एंड बी, लैम्प ए रिक्वायर्ड टू आवर्स ऑफ कटर फाइव टाइम एंड वन आवर ऑफ फिनिशर टाइम, वन आवर देखो, लेट ए रिक्वायर टू आवर ऑफ कटर्स फाइव टाइम एंड वन आवर ऑफ फिनिशर टाइम, फिनिशर मतलब खत्म नहीं है, जो फिनिश उसको साइनिंग करते हैं क्या मतलब फिनिशियर टाइम, हो गया। एंड लैम्प बी, अब कटर मतलब समझ में आ गया ना कि नहीं आया, अरे लैम्प को बनाने के लिए उसको कट करेंगे, फिनिशर करेंगे, वही कटर है और क्या। तुम इसीलिए कहे, थोड़ा सा रुको, सेंटेंस अपने आप समझ में आएगा, पूरा लिखो, अभी सब समझ में आएगा। कहाँ तक लिखे, हाँ हाँ, लैम्प बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वन आवर ऑफ कटर फाइव टाइम्स एंड टू आवर ऑफ फिनिशर टाइम। दो तरह की एक्टिविटी दी गई है, एक कटर का और एक फिनिशर का। जो फाइव टाइम है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं, कटर का डायरेक्ट कनेक्ट, कटर का एक्टिविटी लेंगे और फिनिशर का एक्टिविटी उसके बाद में हो जाएगा काम। लिखो, अब देखो, कटर हैज 104 आवर, 104 कटर हैज 104 आवर, कटर हैज 104 आवर एंड फिनिशर 76 आवर। देखो, जब भी ऐसा कुछ ना लिखा जाए डायरेक्ट ना, तो मैक्सिमम वैल्यू बताता है, ठीक है, ये मैक्सिमम ही वैल्यू, तो हमेशा जब लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वालिटी लेस इक्वल टू, ठीक है। और जब कहीं क्वेश्चन में ऐसा देगा एटलीस्ट कम से कम इतना, तो वो मिनिमम मतलब वैल्यू बताता है, तब वहाँ क्या होगा, इक्वालिटी चेंज हो जाती है। अमृता को सब पता है, वीडियो देख ली थी क्या तुम, तब कैसे पता तुमको, कहाँ पढ़ ली, अरे कौन कौन वीडियो देखा है, तुम भी नहीं देखी, मिला नहीं था वीडियो, मिला था लेकिन देखे नहीं अच्छी बात है, वीडियो नहीं देखोगे तब, हाँ नहीं वीडियो नहीं देखोगे तब भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ रहा ना, हम कहाँ कहेंगे, हम तो कहेंगे मत देखो वीडियो चलो लिखो, कटर हैज 104 आवर्स एंड फिनिशर 66 आवर, 76 आवर, हो गया 76। प्रॉफिट ऑन वन लैम्प, प्रॉफिट ऑन वन लैम्प ऑफ ए, प्रॉफिट ऑन वन लैम्प ऑफ ए इज ₹6, ₹6 मतलब एक लैम्प का प्रॉफिट कितना है, 6 रुपए है,
प्रॉफिट ऑन वन लैंप ऑफ ए इज आरएस 6 एंड ऑन बी इज आरएस 11 एंड ऑन वन बी, अरे वही वन बी, वन लैंप ऑफ बी इज 11 रुपीज। हो गया। डिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम रिटर्न। डिटरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फॉर मैक्सिमम रिटर्न। क्वेश्चन देखो, तुम लोग को कुछ करना नहीं, बहुत हम बस समझा दे रहे हैं। ये जो कटर 5 टाइम है ना, वो 5 टाइम कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा, वो एक एक्टिविटी है और फिनिशियर, दो एक्टिविटी दिया गया है, कटर 5 टाइम और फिनिशियर, ठीक है। लैंप है, दो तरह के लैंप है, लैंप ए और लैंप बी, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट एक्स वन बी द नंबर ऑफ लैंप टाइप ए एंड एक्स टू बी द नंबर ऑफ लैंप टाइप बी। करो फॉर्मुलेट। प्रज्ञा दिखाओ करके। तुम दोनों लोग एक स्कूटी से आती हो, किसका स्कूटी है तुम्हारा? तो हाथ आधा आधा तेल भरवाते हो दोनों लोग पेट्रोल? लड़के होते तो भरवा लेते हैं, नहीं लड़के कहते कि नहीं ले जाते भाई इतना तेल ले फूकेंगे। लड़कियों में वैसे ये सब नहीं देखते हैं। निधि भी भरवाती होगी भावना से। लेट एक्स वन बी द नंबर ऑफ लैंप ऑफ टाइप ए एंड एक्स टू बी द नंबर ऑफ लैंप ऑफ टाइप बी। तो मतलब तुम प्रज्ञा के भरोसे अर्पिता? यस सर, आने के लिए सीख लो। नहीं मान लो प्रज्ञा का किसी दिन चली जाएगी शादी में, इसका भाई हो का शादी है, तो तुम्हारा तो लटक जाओगे, तुम तब कैसे करोगे? हाँ यही है तुम लोग का बड़ा वीडियो वाला, वही वही। कोई बात नहीं, आप लोग को जैसे जो कंफर्टेबल हो। बस आज ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आज ही बड़े क्वेश्चन, कल से हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे। और वो दूसरा मेथड क्या है? वो लास्ट मेथड होगा, उसके बाद में एलपीपी ख़त्म। एलपीपी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, एमएससी में भी मिलेगा सेम चीज़, एमएससी में भी यही सेम चीज़ मिलेगा। गेम थ्योरी नहीं रहेगा बट एलपीपी रहेगा। क्या हुआ? क्या आगे कोई जरूरत नहीं? अरे एमएससी में पूरा रहेगा, एलपीपी पूरा एक अलग पेपर है, अच्छे से पढ़िएगा। एलपीपी पूरा एक पेपर है, खाली एक ही चैप्टर मिलेगा आपको एलपीपी। हो गया निधि? नहीं हुआ? अरे सही तो कर रही हो। उसके बाद में क्वेश्चन और करा देते हैं। काजल का हो गया? क्यों काजल? ऑनलाइन वाले भी करे भाई। Let
x1 be the number of lamp of type A. नहीं, एक घंटा है बस, अभी छोड़ देंगे तुम लोग को। हाँ, एक घंटा है। लेट एक्स वन बी द नंबर ऑफ लैम्प ऑफ टाइप ए एंड एक्स टू बी द, क्या हुआ, बी द नंबर देखो दो तरह के हैं, एक फिनिशियर टाइम होगा क्यों, और एक लैंप ए टाइप। देखो दो टाइप के लैंप होंगे, कौन सा लैंप ए और लैंप ए वाले टाइप के लिए फिनिशियर टाइम कितना समय ले रहा है, फिनिशियर और कटर, कोई दिक्कत। और इधर देखो क्या हुआ, एक एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, पहले कटर्स टाइम दिया है ना, क्या दिया है, बस तुम लोग को समझाने के लिए अभी तुम खुद लिख लोगे, और फिनिशियर टाइम कटर टाइम में लैंप ए टाइप में कितने लग रहे हैं, वो दो आवर ना, और इसमें, और इसमें ठीक है। और दिया क्या है कि लैंप ए कितना हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम, तो एक्स वन का जो लिमिट लगा दिया किस पे, क्यों, एक सेकंड, एक, अरे भाई नहीं 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 नहीं, टाइप ऑफ लैंप देखो, तो कटर टोटल कटर टाइम क्या होगा 2x1, और ये क्या होगा x2, और दोनों को ऐड करेंगे तो टाइप ए कितना होगा, और ये 1x1 प्लस, और ये कितना होगा, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, नहीं मैं समझा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, इसीलिए यही सबका आया है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आएगा, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, क्या हुआ 6x1 प्लस 11x2, यही प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट इतना लिख लेंगे ना आप लोग, कैसे लिखेंगे, चलो बस ये समझा रहे थे कि कैसे आएगा, ऐसे बना सकते हैं आप लोग आसानी से, हो जाएगा लैंप ए लैंप बी कटर्स टाइम फिनिशियर टाइम, और क्या, इधर देखो लिखो अब तुम लोग वही चीज, या लिख लेना क्या है इसी, इधर देखो, लेकिन कटर्स टाइम ऑफ लैंप ए क्या होगा 2x1 एंड फिनिशियर टाइम 1x2, दोनों को ऐड करो, ये रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि दोनों जो लैंप टाइप टाइप ऑफ लैंप ए है वो टोटल कितना प्रोड्यूस करेगा 104, तो इस केस में जो इसका सब्जेक्टेड टू कंडीशन क्या होगा, ये हो जाएगा, ऐसे इसका फिर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, बस आंसर उसको तो मेन, वो थोड़ी का चेक करेंगे कि क्या लिखे हैं आप लोग, बस वही मेन, यही मेन है। तुम लोग लैंग्वेज कितना भी अच्छा लिखोगे, अगर जो ये गलत हुआ लेस इक्वल टू हुआ तो तुरंत नंबर ख़त्म, बाय बाय टाटा, ठीक है, तो ये वाला सही होना चाहिए, लिख लो जो लिखा नहीं है, लिखवा दे क्या, लिख ले, लिख लोगे ना तुम लोग, और इसे भी बीएससी थर्ड ईयर में पहुंच गए हो, काय नहीं लिखोगे, कितना बार चिल्ला चिल्ला के कैसे लिखेंगे, नहीं पता है क्या, अभी बताए तो है भाई, लिखना ही मत तुम लोग, करना ही मत, छोड़ के आ जाना बेवकूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट,
हम तो इसी स्कैमर वाइज परेशान हैं। दिमाग खराब। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैन्युफैक्चरर खूब बिजनेस वाला पढ़ो, जाके देखो तुम लोग अपना ना खुद का खोल लेना। ए मैन्युफैक्चरर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ए लाइन ऑफ पेशेंट मेडिसिन बोल ले रहे हैं, फिर से ए मैन्युफैक्चरर आप ए लाइन LINE लाइन ऑफ पेशेंट मेडिसिन, हाँ वही मेडिसिन, मेडिसिन लिख लेना। काजल को प्रोनाउंस बड़ा बढ़िया आता है कान। हाँ थैंक यू काजल बताने के लिए। हो गया। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए लाइन ऑफ पेशेंट मेडिसिन इज प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन प्लान। तुम लोग हमें जो आ रहा है वो सब भुलवा दोगे, देख रहे हैं, प्रोनाउंस ही करना। अब दोबारा कोई बोलेगा नहीं, हम बोल रहे हैं धीरे धीरे बोल रहे हैं, सब लोग लिखो चुप मार के। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए लाइन ऑफ पेशेंट मेडिसिन इज प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्शन प्लान ऑन मेडिसिन ए एंड बी, मेडिसिन ए एंड बी, अरे जो भी है भाई, मेडिसिन मेडिसिन ए एंड बी। देखो कुछ नहीं कह रहा कि ये कोई कंपनी है, दो तरह का मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है, टाइप ए और टाइप बी। वो क्या पेशेंट मरीजों के लिए ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दो तरह का मेडिसिन प्रोड्यूस हो रहा, कौन कौन सा, टाइप ए और टाइप बी, सिंपल सा लिखो। देयर आर सफिशियंट इनग्रेडियंट्स INGREDIENTS इनग्रेडियंट्स। क्या हुआ इसमें, कोई दिक्कत है तो क्यों लिख नहीं रही हो तुम, कहाँ लिखो दिखाओ, इनग्रेडियंट्स कहाँ लिखी तुम, अरे वो ग्रेडी, अच्छा इनग्रेडियंट INGREDIENTS वो दूसरा है, तुम ग्रेडियंट कैलकुलस वाला लिख रही हो गया, ये बायोलॉजी वाला वर्ड्स है। इनग्रेडियंट्स अवेलेबल टू मेक 20,000 बॉटल्स ऑफ ए, ऐसा लिखना, 20,000 ऑफ बॉटल 20,000 बॉटल्स ऑफ ए एंड 40,000 बॉटल ऑफ बी, एंड तो बोले नहीं, देयर आर सफिशियंट इंटीग्रेंट्स अवेलेबल टू मेक 20,000 बॉटल ऑफ ए और 40,000 बॉटल ऑफ बी। इसका मतलब देखो, उस मैन्युफैक्चर के पास इतना कैपेसिटी है कि वो ए टाइप का खाली 20,000 बॉटल बना सकता है और बी टाइप का क्या है 40,000। नेक्स्ट लिखो, बट देयर आर ओनली 45,000 बॉटल्स, बट देयर आर ओनली 45,000 बॉटल्स इंटू विच आइदर ऑफ मेडिसिन आइदर ऑफ द मेडिसिन
कैन बी पुट, समझ रहे हो? देखो इसका मतलब क्या है कि वो जो हम लोग मेडिसिन, वो तो उसकी कैपेसिटी है टोटल, हाँ दोनों बॉटल को मिला के वो कितना 4500 बॉटल ही तैयार करेगा, मैक्सिमम लिमिट ही बता दिया, भले ही कैपेसिटी कुछ है लेकिन बना कितना रहा, मैक्सिमम 4500 लिमिट दे दिया है, टाइप ए टाइप बी, ठीक है? तो जो भी होगा एक्स वन के कितने होंगे, एक्स टू के कितने होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, लेस इक्वल टू 45,000, ठीक है? और क्या, दोनों मिला के नहीं, एटलीस्ट कहाँ बोला है, एटमोस्ट बोला है, जब एटलीस्ट बोला तब हम लोग, लेकिन हमेशा क्या लिखेंगे इस केस में, ये वाला साइन। चलो फिर लिखना, देखना ध्यान से, अब देखो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्दर फादर मत लिख लेना, फर्दर मोर इट टेक, फर्दर मोर इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर, फर्दर मोर इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर एनफ मटेरियल, प्रिपेयर एनफ मटेरियल, अरे वही इनो मटेरियल टू फिल 1000 bottles of A। इसका मतलब समझ रहे हो कि 3 घंटे में वो खाली 300 बॉटल मेडिसिन रख रहे हैं, मतलब भर पा रहे हैं कि 300 बॉटल, सॉरी 3 घंटे में खाली वो 1000 बॉटल फिल कर पा रहे हैं, ठीक है? 3 घंटे में, अब देखना ध्यान से, फिर लिखना आप लोग 1000 बॉटल ऑफ ए, इट टेक्स फिर आगे उसी के आगे, इट टेक्स 1 hour टू प्रिपेयर एनफ मटेरियल टू फिल 1000 बॉटल ऑफ बी। तो बी वाला 1000 बॉटल पूरा करने भरने में कितना समय ले रहा है, 1 hour है, टू फिल 1000 बॉटल ऑफ बी, हो गया? एंड देयर आर 66 hours अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन, हाँ एंड देयर आर 66 hours अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन, हो गया? द प्रॉफिट इज RS 8 पर बॉटल ऑफ ए, द प्रॉफिट इज RS 8 पर बॉटल ऑफ ए एंड RS 7 पर बॉटल ऑफ बी। हो गया, फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो ध्यान से देखना, बस एक चीज समझाएंगे उसके आप लोग कर लेंगे। कह रहा है कि 1000 बॉटल टाइप ए भरने के लिए कितने टाइम रिक्वायर्ड है, तीन आवर, और 1000 बॉटल भरने के लिए टाइप बी उतने उसमें का एक ही आवर, और टोटल क्या है कि 66 hours अवेलेबल हैं जो ऑपरेशन में, खाली 66। तो जैसे मान लो, देखो ध्यान से, 1000 बॉटल को भरने के लिए कितने आवर लग रहे हैं, 3 hours, तो 1 bottle भरने के लिए क्या होगा कि नहीं? तो मान लो टोटल नंबर ऑफ बॉटल ऑफ टाइप ए X1 मान ले रहे हैं कि टाइप ए है, और X2 टाइप ऑफ बी जो मेडिसिन बना रहे हैं, भर रहे हैं बॉटल, तो इसमें टोटल 3X1/1000 होगा, और उसके लिए क्या होगा, X2/1000,
और ये दोनों क्या होगा, सम करेंगे, बस लिखो अब वही चीज लिखना है तुम लोग। और प्रॉफिट क्या होगा जी, हाँ 8x1 + 7x2। तो लिखो कैसे इसको लिखते हैं, दो मिनट में लिखो। लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, पहले समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं तुम लोग को कैसे कैसे। अरे भाई पहले समझा देते हैं तुम लोग, देखो हम मान ले रहे हैं x1 जो है वो मेडिसिन ऑफ टाइप ऑफ ए, नंबर x1 जो है जो ए टाइप के जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है, ठीक है। और x2 क्या है, जो बी टाइप के मेडिसिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो अभी हम बताएं कि x1 जो 1000 बॉटल भरने के लिए कितना और थ्री आवर्स टेक कर रहा है, तो देखा जाए x1 बॉटल भरने के लिए अगर जो देखा जाए तो क्या मिल रहा है, 3x1/1000, ये टाइप ऑफ ए के लिए। और इसके लिए क्या होगा, और दोनों के लिए क्या होगा। अच्छा देखो ध्यान से, जो कंपनी के पास मैक्सिमम क्या कह रहा है कि वो 45,000 बॉटल ही भरेगी, तो x1 टाइप ऑफ ए है और x2 टाइप, ये क्या होगा, दोनों का सम 45,000 है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, 8x1 + 7, इसको सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा, एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्यों इतना लिख दोगे तब भी 5 नंबर, लेकिन लैंग्वेज लिखो कैसे आया है अभी समझ। लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस x1 एंड x2 बॉटल्स, लेट द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस x1 एंड x2 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। Therefore, total profit is Z equal to 8x1 + 7x2। हो गया 8x1 + 7x2। The time required to prepare X1 bottle of medicine A, इधर देखो 3 घंटे में, सॉरी 1000 बॉटल कितने घंटे में भर रहे हैं, 3 आवर्स, तो एक बॉटल को भरने के लिए क्या होगा, 3/1000, तो X1 बॉटल को प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा, 3x1। ऐसे टाइप बी, ये तो टाइप ए के लिए है, तो टाइप 1000 बॉटल भरने के लिए कितना आवर, 1 आवर ले रहा है, तो 1 बॉटल भरने का क्या होगा, 1000। तो ऐसे x2 बॉटल टाइप भरने के लिए क्या होगा, x2/1000, तो वही लिखो। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर x1 बॉटल ऑफ मेडिसिन ए इक्वल टू 3x1/1000 आवर, 3x1/1000 आवर। And the time required to prepare x2 bottles of medicine B, x2/1000 hour, equal to x2/1000 hour। आज तुम लोग का कष्ट दूर हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। कल से वैसे LPP चलेगा ही नहीं। Therefore, total time required to prepare x1 bottle of medicine A and x2 bottle of medicine B is क्या होगा, 3x1/1000 + x2/1000 hour।
3x1 अपान मेडिसिन भी इज वही 3x1 अपान 1000 प्लस x2 अपान 1000 आवर्स, ठीक है, आवर्स हो गया। लिखना सिंस टोटल टाइम अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन इज 66 आवर। टोटल टाइम अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन इज 66 आवर, देयरफॉर इसलिए क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा वो किसके लेस इक्वल हो जाएगा, 66 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, क्या होगा जी, 3 of x1 प्लस x2। हाँ वेरी गुड, लिख लो 3x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 66,000 हो गया। फिर लिखना नीचे सिंस देयर आर ओनली 45,000 bottles into which the medicine can be put, इसका मतलब क्या कि x1 वाला बॉटल x2 वाला बॉटल मिला दिया जाए तो कितना जो लिमिट हो जाएगा वो 45,000, ठीक है। x1 प्लस मेडिसिन कैन बी पुट देयर फोर x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 45,000, ठीक है। थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा कोई बात नहीं, होता है, बस यही बस आज आखिरी है, इसके बाद नहीं लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देख के ही अजीब लगता है ना, मेरे भी साथ हुआ है। आसान है लेकिन बहुत आसान है, कुछ है नहीं, सॉल्व थोड़ी करना है, बस इक्वेशन बना के लिख देना है 5 नंबर का, हाँ वो जो दिया है वही मिला जुला के लिख देना है, हो गया। अब देखो ध्यान से, नहीं अभी पहले और लिमिट दिया है, देखो एक चीज, एक सेकंड, ये तो हो गया ना, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि जो टाइप ऑफ ए बॉटल भर रहा है वो कितना लिमिट है, वो कितना भर सकते हैं, हाँ तो x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10,000 है कि 20, और x2 क्या होगा, ये भी होगा ना, तो ये कैसे लिखेंगे, लिखो नेक्स्ट लाइन पे उसी, सिंस दे क्या लिखें, आल्सो देयर आर सफिशियंट इंटीग्रेंड अवेलेबल टू मेक ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ बॉटल ए एंड 40,000 ऑफ बॉटल बी, 20,000 बॉटल ऑफ ए एंड 40,000 ऑफ बॉटल बी, दैट इज x1 लेस देन 20,000, x2 लेस देन 40,000, अब देखना मेन चीज लिखने जा रहे हैं, अब ये सारा लिख लिए ना, अब मेन आंसर यही है, मेन आंसर अच्छी कूक लो अच्छे से हो गया, मेन आंसर देखना, अब हम लोग सब लिख लिए हैं, इसी को कब से ढूंढ रहे थे, हाँ तुम लोग केक को खाए कि नहीं, केक को नहीं कटा भी, किसको किसको केक अच्छा लगता है, हमको नहीं लगता है देखो हैंस द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्रॉब्लम, हैंस द लीनियर
ऑफ गिवन प्रॉब्लम, जो दिया गया, क्यों? या मॉडल लिख लो, आप गिवन प्रॉब्लम इज क्या होगा, पहला जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8x1 प्लस, और इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट में लिखना मत भूलना, यही मैंने ये लिख दोगे चाहे भले कुछ ना लिखो ऊपर का, यही लिख दो नंबर पूरा मिलेगा, एक नंबर नहीं कोई काटेगा। तो फिर से लास्ट में फिर लिखना है इसको, लास्ट में अंतिम में वो सब लिखने के बाद फिर से ऐसे चार लाइन का लिखना है, और ऊपर वाला नहीं लिखोगे खाली नीचे वाला चार लाइन का, तब भी पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा। सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, कंडीशन क्या होगा, पहला क्या होगा जी, क्या मिला था, 3x1 प्लस x2 ये होगा ना, और x1 प्लस x2 ये क्या होगा, 45,000, ठीक है। और क्या था, x1 की वैल्यू क्या थी, लेस देन 20,000, सही, ज़्यादा हो गया क्या है, और x2 ठीक है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, लास्ट में ये लिखना, कोई भी प्रॉब्लम लिखो जब मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करो तो बस यही है आंसर, पहले बता दे रहे हैं इतना लिखोगे तब भी पूरा पांच नंबर मिलेगा, ऊपर लिखने जरूरी नहीं, लेकिन ये लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो जाओ, अब पता नहीं कल पीपी नहीं चलेगा वैसे, अरे भाई मैसेज कर देंगे आप।